नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइट ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2 में से फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सिमिलरिटी। और सिमिलरिटी में से प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 आज हम देख रहे हैं। 1.2 में से जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। देखो, ये जो फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कुछ सब क्वेश्चन है। देखो, ये पहला जो क्वेश्चन है क्या बताया है, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। हमें कुछ ट्रायंगल दिए है और उसको ट्रायंगल के लाइन सेगमेंट दिए हैं, उसके लेंथ दिए हैं। आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ क्यूपीआर। देखो, जो पीएम जो है ये क्यूपीआर का, ये जो एंगल क्यूपीआर जो है ना, इसका बाइसेक्टर है या नहीं, ये हमें क्या करना है, देखना है, बताना है, ये हमें क्या करना है, ढूंढना है। तो एक चीज़ को ध्यान में रखो। देखो, इस वीडियो के पहले हमने ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 जो है उसके प्रॉपर्टी की एक वीडियो बनाई है। तो 1.2 में जो जो प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं हम, उसकी कुछ वीडियो जो है वो हमने बनाई है। और वह वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर पहले देखिए। अगर वह वीडियो देखी तो आपको ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखो, यहाँ क्या करना है, देखो ये मेरे पास एंगल बाइसेक्टर है या नहीं, ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे। देखो, अगर एंगल बाइसेक्टर होगा, हमने देखा था पिछले हमारे वीडियो में, अगर मेरे पास ऐसा ट्रायंगल एबीसी है और एबीसी का ये एंगल बाइसेक्टर है और या बीडी जो है एंगल बाइसेक्टर है, ओके, तो ये एंगल बाइसेक्टर अगर होगा तो फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है, एडी अपॉन डीसी। देखो, एडी अपॉन डीसी, ओके, एडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू एबी अपॉन बीसी इज इक्वल टू एबी अपॉन बीसी। इस तरह से ये फॉर्मूला क्रिएट होता है। तो ये जो साइड जो है जिसके दो पार्ट हो गए हैं एडी और डीसी, इसका रेशो, और उसके बाद ये जो दो साइड है बड़े वाले ट्रायंगल की एबी अपॉन बीसी, ये रेशो इक्वल रहता है। तो ये रेशो इक्वल रहता है जब ये बाइसेक्टर होता है तब। तो अभी हमें क्या कहा है कि बाबा ये बाइसेक्टर नहीं है, ये है या नहीं है आपको ढूंढना है, ओके। ये हमने नहीं बताया कि बाबा है या नहीं, हमने खाली ये साइड के साइड दिए हैं, ये चार सेगमेंट दिए हैं, तो उस आधार पे आपको बताना है कि बाबा ये बाइसेक्टर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो दो रेशियो है उसको इक्वल दिखाएंगे। अगर इक्वल हो गए तब ये बाइसेक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अभी हम देखेंगे, चेक करेंगे प्रॉपर। तो देखो, तो सबसे पहला रेशियो क्या करेंगे हम, देखो ये जो एंगल ये जो रे दिख रहा है, इस रे ने ये क्यू आर के दो पार्ट किए हैं, क्या बाबा, क्यू एम अपॉन एम आर। तो पहले रेशो निकालेंगे क्यू एम अपॉन एम आर का। देखो क्या है, क्यू एम है 3.5 डिवाइडेड बाय एम आर है 1.5। देखो, 3.5 और 1.5 को हम पॉइंट जो है थोड़ा सा आगे लेते हैं, तो यहाँ हो गया 35 और 15, ओके, 35 होगा और 15 होगा। 35 और 15 किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, या फिर सॉरी 5 के टेबल में आते हैं। 5 7 35 और 5 3 15, इसे कहेंगे नंबर वन। दूसरा रेशो क्या आता है, क्यू पी अपॉन पी आर का रेशो निकालेंगे, क्यू पी अपॉन पी आर। क्यू पी कितना है, 7 है, पी आर है 3, तो 7 अपॉन 3 हम यहाँ लिखेंगे। इसे हम क्या करेंगे कि बाबा इक्वेशन नंबर ये 2 है भाई, ओके। इस तरह से ये इक्वेशन एक जो है उसका रेशो क्या, 7 अपॉन 3, और इक्वेशन 2 जो है, या फिर 2 जो हमारे पास ये दिया है उसका जो रेशो है वो 7 अपॉन 3 हमें दिख रहा है। दोनों रेशो इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे कि बाबा फ्रॉम 1 एंड 2 क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन पी आर। ये दोनों रेशो इक्वल है, सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि बाबा रे पी एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, ओके। तो ये क्या बाबा, रेशो इक्वल है इसलिए ये बाइसेक्टर है भाई। अगर रेशो इक्वल नहीं होता तो ये बाइसेक्टर नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, प्रॉपर्टी लिखेंगे या फिर थ्योरम लिखेंगे, कोई बात नहीं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, एकदम ईजी है। देखो, इसमें और भी दो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा है यहाँ, देखो ये क्या है, यहाँ भी वही करना है। तो पहले ये रेशो निकालेंगे भाई, जो साइड के दो पार्ट हो गए आर एम अपॉन एम क्यू, तो आर एम अपॉन एम क्यू का रेशो निकालो बाबा। आर एम 6 है, एम क्यू 8 है, तो 6 अपॉन 8, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 3 6, 2 4 8, इसे कहा नंबर वन। दूसरा रेशो आर से शुरू करेंगे, आर पी अपॉन पी क्यू, तो यहाँ लिखेंगे आर पी अपॉन पी क्यू। आर पी है 7, पी क्यू है 10, 7 अपॉन 10, इसे कहेंगे नंबर टू। अभी मुझे बताओ फ्रॉम वन एंड टू क्या आपका ऑब्जर्वेशन है।
दोनों रेशियो इक्वल है क्या? नहीं भाई साहब, ऊपर तो 3/4 है और नीचे 7/2 है, 7/10 है, तो ये इक्वल नहीं. सो देयरफॉर हम लिखेंगे Rm अपॉन MQ इज नॉट इक्वल टू Rp अपॉन PQ. ये इक्वल नहीं है रेशियो. सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि बाबा रे, रे जो हमारे पास कौन सा है, PM, ये जो भाई साहब है ना PM, रे रे PM इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR. ये जो एंगल QPR का ये बाइसेक्टर नहीं है, बिकॉज ये दो रेशो इक्वल नहीं है. अगर इक्वल होते तो हम कहते कि बाबा है बाइसेक्टर, इक्वल नहीं है तो हम नहीं कहेंगे कि बाबा ये बाइसेक्टर नहीं है. ठीक है, अभी अगला तीसरा सवाल है इसमें. देखो और एक तीसरा भी इसी तरह से हमें सॉल्व करना है. देखो यहाँ यहाँ हम क्या करेंगे, देखो ये जो एंगल, ये जो रे है, इसने किस साइड के दो पार्ट किए हैं, क्यू आर के, तो ये कौन से है, क्यू एम अपॉन एम आर, ये रेशो निकालेंगे. क्यू एम 3.6 और ये 4, 3.6 और 4, 4 बोले तो 4.0, तो एक पॉइंट आगे लेके जाते हैं, 36 अपॉन 40 हो गए. 36 और 40 कौन से टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं. 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, इक्वेशन नंबर 1 बन गया भाई. ओके, अभी कौन सा रेशो रह गया, ये क्यू से शुरू करेंगे, क्यू पी अपॉन पी आर, तो यहाँ लिखेंगे क्यू पी अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू पी 9 पी आर 10, तो यहाँ लिखेंगे 9 अपॉन 10, इक्वेशन नंबर, या फिर इसे ये रेशो नंबर 2 कहेंगे. अभी देखो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या ऑब्जर्वेशन है आपका, फ्रॉम 1 एंड 2 आपका ऑब्जर्वेशन क्या है. देखो 1 का जो रेशो है 9 अपॉन 10 है, 2 का जो रेशो है 9 अपॉन 10 है, तो ये दोनों रेशो जो है वो इक्वल है. तो हम यहाँ रखेंगे क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन पी आर, ये दोनों रेशो कैसे है, इक्वल है. सो देयरफॉर हम लिखेंगे कि बाबा रे ये पी एम इज बाइसेक्टर ऑफ, एंगल क्यू पी आर, तो ये क्यू पी आर का जो है वो बाइसेक्टर है. तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन हम सॉल्व करना है. तो एकदम ईजी है, अगर दोनों रेशो इक्वल है तो बाइसेक्टर है, इक्वल नहीं तो बाइसेक्टर नहीं. अभी अगला क्वेश्चन हम देखेंगे. देखो क्वेश्चन नंबर 1 में से ये 3 क्वेश्चन हो गए, अभी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके सामने है. तो यहाँ हमें क्या करना है कि देखो क्यू पी आर में PM 15 है भाई, ये देखो ये PM जो भाई साहब है ये 15 है, PQ 25 है. देखो गाड़ी जो PQ तक अगर गई तो ये 25 है, ज़रा ठीक से हम क्या करेंगे, हाँ ये देखो ये भाई साहब 25 है. उसके बाद हमें NR जो है वो 8 दिया है, और NR के साथ हमें और क्या दिया है, PR 20 दिया है भाई. ये देखो ये PR जो है ये पूरा 20 दिया है, और इसे हम इस तरह से लिखेंगे, ज़रा अच्छा दिखेंगे, हाँ ये देखो ऐसा है, ये 25 है. तो अभी हमें क्या करना है कि बाबा वेदर, स्टेट वेदर, लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ, ये जो NM है ये RQ को पैरेलल है या नहीं ये हमें देखना है. तो ये पैरेलल है या नहीं ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो PN अपॉन NR का जो रेशो है, PN अपॉन NR इसका रेशो, और उसके साथ PM अपॉन MQ का रेशो, PM अपॉन MQ का रेशो, ये दोनों रेशो अगर इक्वल हो गए, देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ BPT, उसमें हमें बताया है कि PN और NR का रेशो उसके साथ PM अपॉन MQ ये जो रेशो है ये अगर इक्वल होगा तो ये दो साइड जो आपको दिख रही है ये सेगमेंट NM और ये RQ पैरेलल होगी, तो ये रेशो निकालेंगे हम. तो ये रेशो निकालने से पहले एक बात देखो, मेरे पास PN है क्या, PN नहीं है, मेरे पास RN है और PR है. देखो पूरा PR कितना है मेरे पास, 20 है, और 20 में से अगर ये 8 गए तो कितने रह गए, 12 रह गए. तो हम लिख सकते हैं कि बाबा PN इज इक्वल टू PR माइनस NR या फिर RN लिखो. ओके NR, PR कितना है, टोटल 20 है और माइनस ये 8, 20 माइनस 8 12, तो ये भाई साहब 12 हो गए. अभी देखो मेरे पास PM है 15, MQ निकालना है, तो ये जो पूरा PQ है, PQ में से ये PM को माइनस करना पड़ेगा तभी हमें क्या मिलेगा, MQ मिलेगा. तो MQ इज इक्वल टू क्या होगा, PQ माइनस PM, PQ 25 है माइनस PM 15 है, 25 में से 15 गया, कितना रह गया भाई, 10 रह गया, तो ये हो गया भाई 10. तो इस तरीके से ये हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. अभी इन वैल्यू को
इस रेशियो में हम ऐड करते हैं। देखो पीएन 12 है, एनआर 8 है, तो यहाँ लिखेंगे 12/8। 12 और 8 दोनों कौन से टेबल में आते हैं? 4 के। 4 3 12 4 2 8, नंबर वन। दूसरा रेशो PM/MQ, PM 15 MQ 10, तो यहाँ लिखेंगे 15/10। दोनों भी 5 के टेबल में आते हैं, 5 3 और 5 2, नंबर टू। अभी देखो फ्रॉम 1 और 2 आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, फ्रॉम 1 और फ्रॉम 2, ओके। फ्रॉम 2, 1 और 2 देखो PN/NR का रेशो 3/2 है और PM/MQ भी 3/2 है, दोनों रेशो इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे PN/NR इज इक्वल टू PM/MQ, ये इक्वल है, तो देयरफॉर लिखेंगे हम, देयरफॉर सेगमेंट ये जो हमारी NM है ये पैरेलल टू साइड RQ, पैरेलल टू साइड RQ, व्हाई? बिकॉज कन्वर्स ऑफ, तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का ये कन्वर्स है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो एकदम इजी है, ठीक है दोस्तों, ओके यस। तो देखो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने ये दो क्वेश्चन देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के ऊपर आधारित था और दूसरा जो क्वेश्चन है ये BPT थ्योरम के ऊपर आधारित था। देखो अगले कुछ क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे और अगली वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा तो प्लीज़ अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। ओके बाय दोस्तों, धन्यवाद।